हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है जी जिया फ्रेंड्स एक एमसीसी द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी हाँ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स आपको पल पल की अपडेट टेक्निकल हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी और मैं आपको बता दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है मेरे यहाँ पर जबकि मैं आपको फ्री ऑफ करा रहा हूँ ठीक है इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आपका कोई भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पर डी करके पूछ सकते हो कमेंट में पूछ सकते हो आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट सभी मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है कि आपको रैंकिंग वाइज कॉलेज प्रोवाइड

तो यहां से देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि बैटी विद द नॉन रेसिडेंट्स इंडियन द मैटर ऑफ सेकंड अपीयरिंग फॉर ऑल द इंडियन एंट्रेंस टेस्ट सच एज द नेशनल इलिजिबिलिटी कम यू यूजी की बात कही गई है साथ मतलब ही ने ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब जेई मेन्स की बात की गई है और जेई एडवांस के लिए बात की गई है और सच अदर टेस्ट टू द मेक दैम इलिजिबल फॉर द एडमिशन ओनली अगेंस्ट एनी द नर रेसिडेंट इंडियन ठीक है जो नर रेसिडेंट इंडियंस हैं ठीक है सीट्स और एनी सुपर प्रोवाइड डेट द कार्ड होल्डर सेल नॉट बी ध्यान रखिएगा वो इलिजिबल नहीं होंगे फॉर द एडमिशन अगेंस्ट एनी सीट रिजर्व एक्सक्लूसिव फॉर द इंडियन सिटीजन की जो रिजर्व एक्सक्लूसिव सीट्स है उसके लिए यहाँ पर बोला गया है की ओसीआई कार्ड होल्डर विल नॉट बी इलिजिबल यहाँ पर सीधा सीधा क्लियरली मैंशन हो रखा है राइट यहाँ से देखिएगा एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिस फर्स्ट द ओसीआई कार्ड होल्डर इंक्लूडिंग द पी आई एस ओ कार्ड होल्डर फॉरन नेशनल कार्ड होल्डिंग पासपोर्ट ऑफ अ फॉरन कंट्री एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया राइट यहाँ से एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक यहाँ पर कैंडिडेट अप्रोच किए थे तो उसके लिए यहाँ पर एक अपडेट है जो कि आपके लिए भी ये भी जानना जरूरी है एकेडमिक ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ओनली केबल ठीक है साथ ही नीचे देख सकते हो यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है ओनली एलिजिबल फॉर एन आर आई सीट ठीक है ध्यान रखे केबल केबल एनआरआई सीट के लिए ठीक है एंड नॉट फॉर द इंडियन ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल एंड डीम्ड पेड इंडियन सीट फॉर द करंट एकेडमिक ईयर इस करंट अकेडमिक ईयर में आप इंडियन ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल डीम्ड और इंडिया इंडियन के लिए सीट्स के लिए नॉट इलिजिबल हैं साथ ही आप बोला गया है कि ओ सी आई पी आई यू फॉरन नेशनल बिल ओनली ध्यान रखिएगा ओनली भी इलिजिबल केबल और केबल एन सीट्स के लिए होंगे ठीक है साथ ही आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि इन दी रिगार्ड इट एडवाइस टू डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट वेयर एन आर आई सीट आर अवेलेबल शुड वेरीफाई ओनली सिटीजनशिप कार्ड फॉर ओ सी आई पी आई ओ फॉर नेशनल कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग एंड नॉट अदर एन आर आई डॉक्यूमेंट्स कोई भी डॉक्यूमेंट एन आर आई डॉक्यूमेंट्स विच आर आस्क वेरीफाइड फॉर द एन आर आई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ठीक है ऑल्सो द नेशनलिटी ऑफ़ ऑल कैंडिडेट शुड बी द चेक्ट अलॉन्ग विदर डॉक्यूमेंट राइट तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको सभी एडवाइस दी जाती कि जितने है कि जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इंस्टीट्यूट हैं ठीक है बर वे एन आर आई आर अवेलेबल ठीक है टोटल अवेलेबल रहेंगे वेरीफाई ओनली सिटीजन कार्ड होल्डर के सिटीजन कार्ड होल्डर के साथ ओ सी आई पी आई फॉरन नेशनल कैंडिडेट्स के ठीक है केवल केवल सिटीजन कार्ड सिटीजनशिप कार्ड के थ्रू ठीक है उसको वेरीफाई किया जाएगा ठीक है टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग ठीक है रिपोर्टिंग के टाइम नॉट अदर एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की बात रिक्वायरमेंट नहीं होगी राइट तो आगे यहां पर देख सकते हो कि एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए है कि शुड नॉट बी दे एलिजिबल फॉर इंडियन ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल डीम्ड पेड इंडियन सीट एज़ वेल एज एनआरआई सीट के साथ-साथ यहां पर जो है एलिजिबल रहेंगे ठीक है इंडियन के लिए आ, आपका ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल डीम्ड पेड इंडिया ठीक है तो ये नोटिफिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं ठीक है ओ सी आई पी आई ओ और फॉरन नेशनल कैंडिडेट हैं उनके लिए जानना जरूरी है राइट इसके अलावा आपका कोई भी डाउट होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आए आप कमेंट में पूछ सकते हो मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा बाकी जो जो अपडेट आते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए आए और कोई भी डाउट होता है आपको तो कमेंट में पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसिल्गिंग में आपकी करा रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके